वेलकम टू हिंदी उर्दू लर्निंग स्टेशन। लव्स कोश के पार्ट टू में आज हम प्रीफिक्स और सफिक्स इन उर्दू एंड हिंदी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स को उर्दू में साबका और लाहिका और हिंदी में उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। आज हमने जिस प्रीफिक्स को चुना है आमतौर पर वो उर्दू की प्रीफिक्स है बा और बा। दोनों जबानों में ये मौजूद हैं, इस्तेमाल होते हैं। आम बोलचाल की जबान में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बा यानी स्मॉल बा। बा को हम बे भी कह सकते हैं। बे से शुरू होने वाली प्रीफिक्सेस का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हम विद, बाय, फॉर, फ्रॉम, टू, अप, इनटू, इन, ऑन, अपॉन के साथ कर सकते हैं। हमने आपकी आसानी के लिए उर्दू के साथ साथ रोमन में भी वो शब्द लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, उसका हिंदी में क्या अर्थ है। इसके साथ ही साथ हमने अंग्रेजी में भी उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है। पहला शब्द है बहैसियत, हिंदी में जिसे हम कहते हैं के रूप में या की तरह, इंग्लिश में एज अ। बहैसियत स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट की तरह, बजवाब के उत्तर में, इन रिप्लाई टू, इन रिस्पॉन्स टू, बहिसाब एक्स की दर पर या एक्स की दर से, इंग्लिश में एट द रेट ऑफ, इन द प्रोपोर्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बहक के पक्ष में, इन फेवर ऑफ, इन द मैटर ऑफ, इन द केस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बहुक्म आदेशानुसार, under the orders of, by command of, by authority of, बखिलाफ विपक्षी या विपरीत, contrary to, in opposition to, बखूबी अच्छी तरह से, well, nicely, in a good manner, thoroughly, with grace or gracefully, बखुशी खुशी के साथ, प्रसन्नता पूर्वक, with pleasure, gladly, cheerfully, बखैर शुभ, इन सेफ्टी, इन पीस, वेल, इन सिचुएशन लाइक गुड नाइट एटसेट्रा। तो आमतौर पर बखैर का हम इस्तेमाल सुबह या रात के लिए भी करते हैं, जैसे शुभ रात्रि, शब बखैर वगैरह। बदस्तूर सामान्यता, एज यूजुअल, इन द यूजुअल मैनर, अनचेंज्ड, बसबब एक्स के कारण, बिकॉज ऑफ, बाय रीजन ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बसिलसिला निरंतरता से, इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, एज अ सीक्वल टू, बशर्ते के इस प्रतिज्ञा से, इफ, इन केस, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट, बसूरत एक्स के रूप में, बाय वे ऑफ, इन केस ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, इन द मैनर ऑफ, बजिद हट करना, stubbornly, insist, butters, की तरह, in the manner of, in the form of, बतौर x की भांति या x की तरह, as, और in the capacity of, बजाहिर स्पष्ट रूप से, apparently, outwardly, बगैर के बिना, without, except, बकौल के अनुसार, according to, on the authority of, in the words of, बकसरत अधिक या प्रचुर मात्रा में, plentiful, abundant, बामर्तबा पदनामित, to some extent, in a degree, to the extent of, बनिस्बत तुलना में, x की तुलना में, in comparison with, compared to, then, बनाम के नाम पर, in the name of, versus। अब हम बात करेंगे बा पर, यानी लॉन्ग वॉवेल के साथ बा, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो सकता है बाय, विद, और पोसेसिंग और हैविंग समथिंग। पहला शब्द है बा उसूल, सिद्धांतवादी, प्रिंसिपल्ड पर्सन, बा इख्तियार अधिकार पूर्ण, इन अथॉरिटी और ऑथोराइज्ड, बा असर प्रभाव डालने वाला, इफेक्चुअल और इम्प्रेसिव, बा अदब शिष्टाचारी, पोलाइट, वेल मैनर्ड,
बा अंदाजा अनुपात में, मॉडरेटली प्रोपोर्शनली, बा तदबीर साधन संपन्न, वाइज प्रूडेंट रिसोर्सफुल, बा तमीज सभ्य सिविलाइज्ड कल्चर्ड पोलाइट, बा खबर जागरूक अवेयर और वेल इन्फॉर्म्ड, बा शऊर शिष्ट सभ्य वेल मैनर्ड, बा हया लज्जावान मॉडेस्ट बैशफुल, बा खुदा ईश्वरीय गॉडली, बजाबता औपचारिक या औपचारिक रूप से फॉर्मल या ऑफिशियल, बाकायदा व्यवस्थित रेगुलर इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बामुरव्वत उपकारी ओब्लाइजिंग जेनरस और काइंड, बाकरीना नियोजित योजनाबद्ध वेल अरेंज्ड, बामजा स्वादिष्ट टेस्टफुल और डेलिशियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूजफुल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें हिंदी उर्दू लर्निंग स्टेशन। थैंक यू।